ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर, और इससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। आपको बता रहे रायपुर से सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। ईडी की कार्रवाई को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। सीएम ने पूछा, बताओ तो कितनी संपत्ति जब्त की गई है। सीएम ने लिखा, ये कोयला घोटाला चिल्लाते हैं और कितनी संपत्ति जब्त किए गए हैं, 3 साल तो हो चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, रायपुर से सामने आ रही है। आईटी ने रेड डाल दिया, ईडी ने जांच कर ली, लेकिन कितनी संपत्ति जब्त की है ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा पूछा गया। ये लोग 500 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, 500 करोड़ की संपत्ति तो दिखाओ वो कहाँ है, ये भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा पूछा गया है। ईडी और आईटी पर अब मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए हैं, 500 करोड़ के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन वो संपत्ति कहाँ है ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा पूछा गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, रायपुर से सामने आ रही है। 500 करोड़ की संपत्ति तो दिखाओ कहाँ है ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा ट्वीट के माध्यम से लिखा गया है। ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है और उनके द्वारा पूछा गया है कि 500 करोड़ की जो संपत्ति का आरोप लगाया गया है वो संपत्ति कहाँ है, कितनी संपत्ति अभी तक जब्त की गई है, 3 साल तो हो चुके हैं लेकिन संपत्ति अभी तक नहीं बताई गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, रायपुर से सामने आ रही है। अगली और बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। कांग्रेस की डिनर, डिप्लोमेसी गृह मंत्री निवास पर हुआ डिनर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई बड़े नेता जो है कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई है। चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई और निगम मंडल पदाधिकारियों को लेकर इसमें मंथन किया गया है। तो आपको बता दें कांग्रेस की गृह निवास जो है गृह मंत्री के निवास पर एक बैठक हुई है, डिनर बैठक हुई है और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा कुमारी शैलजा भी शामिल हुई। पदाधिकारियों और निगम मंडल के पदाधिकारी भी इसमें बैठक में मौजूद रहे और मंथन किया गया। छत्तीसगढ़ में युवा मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस बड़ा दांव चलाने जा रही है। वहीं युवाओं से भेंट मुलाकात के बाद उनके साथ साथ अब सीएम भूपेश बघेल फर्स्ट टाइम वोटर्स को संवाद करने जा रहे हैं। क्या है इस संवाद के मायने, आखिर नए वोटर्स पर क्यों है सियासी दलों का फोकस, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस बार मतदाता सूची में 5 लाख से अधिक नए मतदाताओं के नाम जुड़े हैं। यही वजह है कि इन फर्स्ट टाइम वोटर्स को साधने के लिए सियासी दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ संवाद का कार्यक्रम तय करने जा रही है। 26 जुलाई को सीएम भूपेश बघेल नए मतदाताओं से बातचीत करेंगे। NSUI पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ बातचीत कार्यक्रम आयोजित करेगी। कार्यक्रम का नाम माय फर्स्ट वोट फॉर भूपेश कका रखा गया है। इस कार्यक्रम में NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता कन्हैया कुमार समेत प्रभारी कुमारी शैलजा और कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैश शामिल होंगे। कार्यक्रम के बारे में NSUI के अध्यक्ष नीरज पांडे ने जानकारी दी है। 26 जुलाई को प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी आदरणीय शैलजा दीदी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी और तमाम पूरे प्रदेश भर से आने वाले हजारों NSUI के साथियों के साथ हम लोग एक कैंपेन अभियान लॉन्च कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के पहले की बात है, स्वाभिमान के हमर पहली मतदान के 5 लाख से ज़्यादा फर्स्ट टाइम वोटर इस बार विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे। अब वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैनेज रहता है, लोगों को प्रश्न पहले दे दिए जाते हैं, उत्तर भी पहले से तैयार रहता है, तो खुली चर्चा इस पे नहीं होती। कांग्रेस लगातार युवा मतदाताओं को साधने की कोशिशों में जुटी है। युवाओं के साथ सीएम ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से भी संवाद की शुरुआत की है। अब 5 लाख से भी अधिक नए वोटर्स के साथ बातचीत का कार्यक्रम तय किया गया है। युवा मतदाता कांग्रेस के साथ कितना कनेक्ट होंगे यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन सीएम के साथ संवाद का उत्साह युवाओं में देखते बन रहा है। रायपुर से INS247 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।
कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। यही वजह है कि कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा राजीव भवन पहुंची, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारियों से उन्होंने वन टू वन चर्चा की और संगठन की कमियों और खूबियों को जाना। भविष्य को लेकर क्या हो सकता है उस पर मंथन किया गया और इस दौरान मंत्री रविन्द्र चौबे समेत 8 से ज्यादा विधायक भी राजीव भवन में मौजूद रहे थे। चर्चा के बाद कुमारी शैलजा का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि कुछ दावेदार आए थे और अपनी बात रखी थी और इसके बाद टिकट मिलेगी, सभी को हम जिताएंगे। हर बार नए चेहरे को सामने लेकर आते हैं, फील्ड में अब ज्यादा सक्रियता होनी चाहिए। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयान पर अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस डटी हुई है। प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि डर कौन रहा है, सत्ता किसके हाथ में जा रही है सब देख पा रहे हैं। हिमाचल कर्नाटक में बीजेपी को हाथ से सत्ता चली गई है और इसलिए बीजेपी डरी हुई है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है, हम अपने काम के दम पर वोट मांग रहे हैं। देखिए डर कौन रहा है, आज के दिन सत्ता किसकी जा रही है। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी ने देखा हिमाचल कर्नाटक अलग अलग जगह सत्ता इनके हाथ से चली जा रही है, तो घबराए तो ये हुए हैं। हमने तो यहाँ काम किया है, छत्तीसगढ़ में सारा देश मानता है, सब जानते हैं कि यहाँ पर हमारी सरकार ने काम किया है और अपने काम के दम पर हम वोट मांग रहे हैं। इसलिए कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरह से मजबूत है, हमारा कार्यकर्ता मजबूत है। अगला चुनाव छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि कांग्रेस की सरकार बने और अगले चुनाव में हम फिर से जीत कर आए। ये हमेशा होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, दावेदार तो बनते ही हैं, जो काम करते हैं वो दावेदारी रखते हैं, वो उम्मीदवार होते हैं। आने वाले टाइम में पार्टी किस पर फैसला करती है ये पार्टी का फैसला होता है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का फैसला होता है। ऐलान कर दिया है पीसीसी चीफ दीपक बैज ने, इनके अध्यक्ष बनाए गए हैं। और वही सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम सिंहदेव, आपको बता दें टीएस सिंहदेव समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की को समिति में शामिल किया गया और इसके साथ ही टिकट वितरण को लेकर फॉर्मूले पर भी चर्चा अब शुरू हो गई है। कांग्रेस में चुनाव समिति के ऐलान के साथ ही दावेदारों की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस रायपुर अधिवेशन के फैसले को लागू करने जा रही है। इसके तहत 50% टिकट अंडर 50 नेताओं को मिल सकती है। इतना ही नहीं, पार्टी महिलाओं और सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए ओबीसी वर्ग के नेताओं को भी बड़ी संख्या में टिकट देने जा रही है। पिछली बार कांग्रेस ने 50 से अधिक विधानसभाओं में युवा चेहरों को मैदान में उतारा था, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट भी सामने आया। पार्टी के अधिकतर नए चेहरों ने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की। यही वजह है कि इस बार भी 40 से 45 सीटों में नए और युवा चेहरों को टिकट देने की तैयारी है। ऐसे में सिटिंग विधायकों का दोबारा टिकट पाना आसान नहीं होगा, फिर इनके परफॉर्मेंस पर भी हाईकमान की कड़ी नजर है। बहरहाल कांग्रेस नेता एक स्वर में युवाओं को तरजीह देने की बात कह रहे हैं, जबकि भाजपा इसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी से जोड़ रही है। युवाओं का भी है, देखो ऊर्जा भी चाहिए, नए लोग भी चाहिए, हमेशा पहले से भी होता रहा। अब आप क्योंकि मीडिया में ज़्यादा इन चीज़ों की चर्चा होने लगी है, लेकिन हमारी पार्टी में हमेशा से नए चेहरे हर बार कुछ हम लाते रहे। कांग्रेस के पक्ष में लोगों का वातावरण है, इसे स्वाभाविक है। दावेदार लोग अपना एप्लीकेशन ले करके प्रभारी से भी मिल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष से भी मिल रहे हैं, विभिन्न समितियों के जो मेंबर हैं उनसे लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। जिस प्रकार से तानाशाही कांग्रेस में चल रही है, जिस प्रकार से वन मैन शो चल रहा है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, नाराजगी है और वो लगातार बार बार प्रदर्शित हुआ है। और आज कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जनता का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने 4.5 सालों में कोई काम नहीं किया है सिवाय जनता को लूटने के, छत्तीसगढ़ के खजाने को लूटने के। कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस ने न सिर्फ नए चेहरे उतारे बल्कि टिकटों की घोषणा भी पहले ही की। दोनों राज्यों में पार्टी गुटी अंतरकलह रोकने में सफल रही। यही वजह है कि यही रणनीति अब छत्तीसगढ़ में भी अपनाने की तैयारी है। इससे नए चेहरे तो मैदान में नजर आएंगे ही, पार्टी को उम्रदराज नेताओं का विकल्प खोजने में भी मदद मिलेगी।
INH 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चुनाव समिति का ऐलान होते ही टिकट के दावेदारों की कतार लग गई है। खास बात यह है कि वही पहली खेप में उन सीटों पर बड़ी संख्या में दावेदार सामने आए हैं जहां कांग्रेस के विधायक हैं। दरअसल सोमवार को कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने राजीव भवन में प्रदेश पदाधिकारियों, विधायकों और पूर्व पदाधिकारियों से वन टू वन चर्चा की और मंत्री रविन्द्र चौबे और ताम्रध्वज साहू से इस दौरान राजीव भवन में पहुंचे। वहां पर दूसरी ओर कई दावेदार भी अपना बायोडेटा लेकर पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा से मिलने की कोशिश करते हुए नजर आए। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कल ही चुनाव समिति की घोषणा की और चुनाव समिति की घोषणा के साथ ही साथ राजीव भवन में एक बार फिर जो टिकट के दावेदार हैं उनकी भीड़ लग चुकी है। पीसीसी की प्रभारी कुमारी शैलजा जो हैं वो आज प्रदेश के पदाधिकारियों और विधायकों से मिल रही हैं, लेकिन देखा जा सकता है कि जो टिकट के दावेदार हैं वो अपने हाथों में बायोडाटा लेकर पहुंचे हैं और अपनी दावेदारी करते भी नजर आ रहे हैं। इसमें कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप? मैं तो दुर्ग जिला से आया हूँ, वैशाली नगर दुर्ग शहर से मैं टिकट मांग रहा हूँ। मैं लगभग 25 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूं और छात्र राजनीति, युवा कांग्रेस की राजनीति और प्रदेश संगठन की राजनीति, समाज सेवक, लायंस क्लब का अध्यक्ष। टिकट मांगना हमारा वो है, अधिकार है, और पार्टी निर्णय देगी, जिसको टिकट देती है तो अच्छी बात है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अलग अलग विधानसभाओं से आए, हाथ में देख सकते हैं कि बायोडाटा है, संक्षिप्त परिचय। आप कहाँ से आए? सर मैं कसडोल से आया हूँ। अच्छा, कसडोल से बहुत सारे दावेदार निकल कर सामने आ रहे हैं। वहाँ पे सिटिंग MLA शकुंतला साहू है जी। बहुत सारे दावेदार निकल कर सामने आ रहे हैं, तो क्या इसका ये मतलब ये समझा जाए कि वहाँ पर ये आप लोग मान के चल रहे हैं कि टिकट बदला जाएगा? जी बिल्कुल, हम लोग न केवल हम लोग बल्कि क्षेत्र की जनता की शायद यही मांग है। आज की डेट में सरकार की जो कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं और वो जो है मूलभूत तक वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं जो उनके हकदार हैं, वाजिब हकदार हैं। ऑफिसेज के हालात बहुत बुरे हैं, लोग जो है लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जिनके वो असली हकदार हैं। और सरकार जो है जितनी भी जनकल्याणकारी योजनाएं लेकर के आती हैं वो ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हो रही। जिनसे हम बात कर रहे हो तीसरे दावेदार हैं जो कसडोल से, उनसे भी जान लेते हैं क्यों कसडोल में सिटिंग MLA है कांग्रेस की, क्या आप लोग खुश नहीं हैं? कांग्रेस के लेकिन जनता नहीं चाह रहे हैं। यदि हमारी भूपेश बघेल जी चाहते हैं सीट तो उसको बदलना ही पड़ेगा सीधा सीधा, तभी सीट। अच्छा, लोग भूपेश बघेल की सरकार लाना चाहते हैं लेकिन विधायक से खुश नहीं? विधायक तो उसका पूरा विरोध हो रहा क्षेत्र में। यदि चाहते हैं सीट तो बदलना ही पड़ेगा। तो ये देखा जा सकता है सीधी तस्वीर जो है वो हम राजीव भवन से दिखा रहे हैं जहाँ पर जो टिकट के दावेदार हैं वो पहुंचे, पदाधिकारियों की भीड़ भी यहाँ पर लगी हुई है। कौन कौन से विधानसभा से जो टिकट के दावेदार हैं वो सामने आ रहे हैं और किस तरह की स्थितियाँ हैं, इन तमाम बातों पर कुमारी शैलजा जो है वो पदाधिकारियों से, विधायकों से, पूर्व विधायकों से, मंत्रियों से मंथन कर रही हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, INH 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक है और इससे पहले बीजेपी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद अब इसका असर भी दिखना शुरू कर दिया गया है। निषाद पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रवेश के नजरिए से अगर देखा जाए तो क्या कुछ खास है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी भाजपा के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पार्टी ने भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस को सबक सिखाया उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को सबक सिखाएगी। इस ऐलान के बाद निषाद समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए पार्टी की तैयारी चल रही है। गौरतलब है कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद रविवार को रायपुर प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन से मुलाकात की जिसमें छत्तीसगढ़ में निषाद पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़ने की सहमति बनी है। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी 2019 से ही केंद्र की NDA सरकार, जो मोदी सरकार है, उसका एक घटक दल है। छत्तीसगढ़ में भी जो है जो वर्तमान की कांग्रेस सरकार है, जो एक भ्रष्टाचारी सरकार है जिसपे करोड़ों रुपए का जनता का लूटने का आरोप लग रहा है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंक कर पुनः जो NDA की सरकार
इसमें मुख्य रूप में भारतीय जनता पार्टी और साथ में सहयोगी निषाद पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और आगामी जो 2023 का चुनाव होने वाला है उसमें जीत हासिल करेंगे और जनता को पुनः डबल इंजन की सरकार जो केंद्र की है और पुनः राज्य में मिलकर छत्तीसगढ़ में विकास की व्यवस्था को बढ़ाने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के निषाद पार्टी से गठबंधन पर राजनीति शुरू हो गई है। पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जिस पार्टी का नाम कभी सुना नहीं उससे गठबंधन करने की नौबत ये बता रही है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा कितनी कमजोर है। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि हम सभी छोटे दलों को साथ लेकर चलने के पक्षधर हैं। समाज की उपस्थिति हम सबके लिए उपयोगी है। निषाद समाज के साथ मिलकर काम करना बेहतर होगा। अभी तक तो जिस पार्टी का नाम आप ले रहे हैं उसका छत्तीसगढ़ में कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब अस्तित्वहीन लोगों से अस्तित्वहीन लोग अगर समझौता करेंगे तो दो अस्तित्वहीन लोग क्या कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को साथ लेकर गले लगाकर उनके साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है। कोई समाज छोटा और बड़ा नहीं होता, समाज की उपस्थिति पूरे हम सब के लिए उपयोगी है और निषाद समाज निश्चित रूप से महत्वपूर्ण समाज है। उनके साथ मिलकर काम करने बेहतर होगा। ये कांग्रेस कैलकुलेट करते रहे कि कौन छोटी पार्टी कौन बड़ा समाज है, हम तो सभी समाज को गले लगाने में पक्षधर हैं। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जाति क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ने की कवायद करती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा का ये प्रयास सत्ता वापसी के लिए कितना कारगर साबित होता है। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7, रायपुर। अब अगली और बड़ी खबर कटनी से सामने आ रही है। श्री जी कंपनी के कार्यालय में छापा मारा गया है। सीबीआई और एसीबी की टीम ने दबिश दी है। नेशनल हाईवे के निर्माण का कार्य कराती है कंपनी के कार्यालय को किया गया सीज। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कुटला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। कटनी से बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कुटला थाना क्षेत्र का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरीके से लगातार एक्शन मोड में अब हर प्रशासन नजर आ रहा, हर कंपनी पर नजर बनाए हुए हैं और इसी बीच कटनी की एक कंपनी पर दबिश दी गई है, क्या इसमें निकलकर सामने आ रहा है? पूरी अपडेट हमारे दर्शकों को बताइए योगेश। आपकी आवाज, आपको हमारी आवाज पहुंच पा रही है? संपर्क एक बार फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। ये कटनी से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। श्री जी कंपनी के कार्यालय पर छापा मारा गया है। सीबीआई और एससीबी की टीम ने दबिश दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। नेशनल हाईवे के निर्माण का कार्य करती है कंपनी। कंपनी के कार्यालय को सील किया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कटनी से सामने आ रही है। श्री जी कंपनी के कार्यालय पर छापा मारा गया है और सीबीआई और एससीबी की टीम ने मिलकर दबिश दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कचुला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कंपनी के कार्यालय में कार्यालय को जो है सील कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय की टीम को अब तगड़ा झटका लगा है। वहीं बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपी अनवर ढेबर को अंतिम जमानत दे दिया। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले की जांच पर रोक के आदेश दिए थे और ऐसे में हाईकोर्ट के सोमवार को आए फैसले को ईडी के लिए दोहरे झटके के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर ईडी एक के बाद एक नए खुलासे करती है और इस मामले पर आरोपी की संपत्ति भी अटैच की गई थी। अभी अनवर ढेबर के अलावा आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव एपी त्रिपाठी और त्रिलोक सिंह ढिल्लर, नितेश पुरोहित और अरविंद सिंह जेल में बंद हैं। शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी को आज फिर तगड़ा झटका मिला है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी अनवर ढेबर को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी गई है। आपको बताना चाहूँगा कि ईडी ने 2000 करोड़ के शराब घोटाले का दावा छत्तीसगढ़ में किया था और इस मामले में अनवर ढेबर के अलावा त्रिलोक सिंह ढिल्लन,
अरविंद सिंह, इसके अलावा जो है नितेश पुरोहित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और इस मामले की लगातार जांच की जा रही थी। और बीते दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को यह आदेश किया था कि इस मामले की जांच अभी रोक दी जाए और इसके बाद आज मुख्य आरोपी अनवर डेबर को अंतरिम जमानत मिल गई। एक प्रकार से यह ईडी के लिए बड़ा झटका है। कैमरामैन इकराम कुरैसी के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। आपको बता दें कि रायगढ़ नगर निगम की अमृत मिशन योजना में भारी भागीरथी, और वही आपको बता दें कि रायगढ़ का जो नगर निगम है वह अमृत मिशन योजना में भागीरथी, नल जल योजना के हितग्राहियों की परेशानी जो है वो बढ़ा दी गई है। योजना के तहत निगम ने बिना जांच पड़ताल के घरों में कनेक्शन बांट दिए हैं। आलम यह भी है कि भागीरथी नल जल योजना के तहत जिन हितग्राहियों को 60 रुपए की दर जल दिया जाता था, अब उसमें अब हर महीने जो है 200 रुपए की दर जल लिया जाएगा, और वही ऐसे में योजना के हितग्राहियों को परेशानी जो है वो बढ़ गई है। इधर बीजेपी ने नगर निगम के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए तत्काल ऐसे कनेक्शनों पर टैरिफ संशोधन करने की उनके द्वारा मांग की गई है। उधर मामले में मेयर इसे विभागीय त्रुटि बता रहा है। वेदांता समूह की कंपनी बालको की ओर से हरेली त्योहार के अवसर पर किसानों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। 600 से अधिक किसानों को सिस्टम फॉर राइस और इस पर प्रशिक्षण देने के लिए रोपाई विधि को आसान बनाया गया है। वही प्रोजेक्ट मोर जल मोर माटी के तहत धान की फसल को नुकसान से बचाने के लिए बालको ने स्वयं सेवी संगठन एक्शन फॉर फूड प्रोटेक्शन के लिए उनके साथ मिलकर किसानों को प्रशिक्षण दिया। बालको के मुख्य कार्यालय के अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी और निदेशक राजेश कुमार ने कहा कि बालको को प्रतिबद्धता किसानों को सशक्त बनाने और सामूहिक विकास को बढ़ावा देने पर है। वहीं बालको को मोर जल मोर माटी परियोजना 32 गांवों में 1400 एकड़ से अधिक भूमि के साथ 2400 किसानों तक अपनी पहुँच बनाए गए हैं, और वही परियोजना के तहत 70% से अधिक किसानों ने आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाया है। कुमार राठिया ग्राम बेला में खेती करता हूँ, जो हम श्री भी खेती करते हैं। पहले इसने खेती हम नहीं करते रहन, और लाइन डोरा से अपन रस्सी पकड़ के अपन रोप रोपा जो भी लगा था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहिए INH न्यूज। नमस्कार।